जिसका नाम आज संघर्ष स्थल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ताउम्र गरीब की, चमेरी की, किसान की लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में, जहाँ स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो जंग आज़ादी के लिए भी उन्होंने उस पढ़ाई को दरकिनार किया और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे उनमें खड़े होकर देश को आज़ाद कराने में एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। आज हमारे देश के अंदर कोरोना को लेकर के बहुत बड़ा पैनिक है लोगों के बीच, और ये पैनिक होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की घातक बीमारी है, जिस तरह से इसके बारे में प्रचार है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, उससे 100% डरने वाली बात है। आज जिस जगह पे मैं खड़ा, जहाँ चौधरी देवीलाल ने गरीब की, कमज़ोर की मदद करी, आज फिर हमें सबको, जो चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, जो चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, जो चौधरी देवीलाल को अपना आदर्श मानते हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि वो इस मुहिम में अब हर रोज़ एक फैसला करें कि घर के अगर 10 मेंबर, जो लोग जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश है उसकी संख्या करीब 2.5 करोड़ के करीब लोग हैं, और 2.5 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट होने वाले नहीं हैं, जिनके पास अपना साधन है, उन सब से एक आग्रह करूँगा कि वो हर रोज़ 1 रुपया एक व्यक्ति के हिसाब से उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए अलग से निकाल करके रखें। एक मुट्ठी अनाज जो खुद खाना खाए उस वक्त एक मुट्ठी भर करके अनाज के उन गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखें, और इस मुहिम को आगे बढ़ा करके उस सारे अनाज को इकट्ठा करके, उन सारे पैसे को इकट्ठा करके गाँव वाइज अपनी कमेटियाँ बना करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, जिसमें गाँव के हर वर्ग के लोगों को शामिल करके अपने ग्रुप बना करके, और इस सारे मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। आज से संकल्प लें कि हम 1 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से और एक मुट्ठी अनाज पर व्यक्ति के हिसाब से उन जरूरतमंद लोगों के लिए निकालेंगे जो आज कहीं इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनकी कैसे मदद हो, इसके लिए इस बात का संकल्प लें। यही बात आपसे कहने के लिए आपके बीच आया, आपने मेरा बात को सुना। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको आगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।